प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये हम समझते हैं कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जो पुराने समय की होगी, लेकिन जब से इंसान धरती पर आया है उसके अंदर ये सवाल उठते चले आए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ मैंने जाना है, इस धरती पर जब मैं पैदा हुआ तो मेरा पर्पस क्या है, मकसद इस दुनिया में आने का क्या यही है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपनी कल्चर्स को सीखा, उसने पढ़ा लिखा, नौजवानी की दौर तक पहुंचा, जैसा कि कहता है उसकी शादी हुई, उसको काम लगा कोई ना कोई, उसके अपने बच्चे हुए, उनको पालता पोसता हुआ और दुनिया से चल बसा, कि कुछ और भी है जो शायद बाहर से देखने में नहीं मिलता। तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, हम कौन है उससे डील करती है, हमें समझाती है कि हम शरीर नहीं, ये शरीर तब तक जीवित है जब तक उसमें जान है। साइंस एक थ्योरी प्रोपोगेट करती है, फिर एक्सपेरिमेंट्स करती है कि क्या ये थ्योरी जो कही गई है इसके अगर एक्सपेरिमेंट करें तो जो नतीजा आएगा, जो रिजल्ट्स आएंगे, उनको जब टैबलेट करेंगे तो वो बताएंगे कि ये थ्योरी ठीक है कि गलत है। कई सौ साल पहले साइंटिस्ट यही सोचते थे कि हमारी धरती है, स्थिर है, रुकी हुई है, और सूर्य सवेरे निकलता है, शाम को ईस्ट से वेस्ट में चला जाता है। वो यही सोचते थे कि अगर धरती पर चलते जाएंगे कहीं जाके गिर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ा, तरीके समझ में और आने शुरू हुए, साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि सूर्य खड़ा हुआ है और धरती उसके आसपास घूम रही है। तो साइंस टाइम के साथ जो जो समझती है वो बदलता जाता है, क्योंकि जो मीन्स हैं इस यूनिवर्स को डिसाइफर करने के, समझने के, वो बदलते चले जाते हैं। और जैसे जैसे समझ इंसान की बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे असलियत क्या उसके सामने खुलनी शुरू हो जाती है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने इस जमाने में, जबकि साइंस का बहुत बोलबाला था, रूहानियत को बड़े साइंटिफिक तरीके से समझा और समझाया। वो समझाते थे कि जैसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी की लैबोरेटरी में जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है, एक आप एलिमेंट लेते हैं, उस पर आपने कोई एसिड डाला, देखते हैं इस किस्म की फ्यूम्स निकलेंगी, तो आपको आपके टीचर बता देते हैं कि अगर आप ये मटीरियल लोगे, उसमें अगर ये वाला एसिड डालोगे तो इस किस्म के फ्यूम्स निकलेंगे, और अगर आप एक्सपेरिमेंट वैसे ही करोगे तो वो ज़रूर होगा, तो आपको लगता है हाँ इसमें से ये चीज़ निकलती है। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है एक लैबोरेटरी है, इसमें हमने अपनी आत्मा के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, ये जानना है कि इसमें आत्मा है। उसकी फोटो खींच सकते हैं? नामुमकिन है। ऑरास की फोटो खींचने के कई कैमरे निकले हैं, तो हर एक इंसान के आसपास ऑरा है, उसको मैग्नेटिक एनर्जी को, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को, और आजकल कई लोगों ने कैमरे निकाले हैं कि जो थोड़ी सी रेडिएशन इंसान से आती है उसकी फ़ोटो खींच सकती है। क्या वो हमारी असलियत है? वो रेडिएशन कहाँ से आ रही है, क्या है, आंखों को दिखती नहीं, जैसे जब एक्सरे के ज़रिए इंसान के शरीर को देखा जाता है तो अंदर जो हमारी आर्टरीज हैं, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जो और ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनकी हम फोटो खींच सकते हैं। बाहर से तो सब कुछ ढका हुआ है, लेकिन कैमरे ऐसे बने हैं जिससे वो मालूम होते हैं। ऐसे ही कैमरों के बगैर हम कौन हैं, हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमें क्या जान देती है, उसका इंसान अनुभव कर सकता है, ही महापुरुष शुरू से समझाते हैं। तो जो थ्योरी, अगर उसको थ्योरी कहा जाए, जो महापुरुषों ने प्रोपोगेट की, चलाई,
वो ये है कि एक प्रभु है, एक परमात्मा है, किसने उसको देखा है? इन आंखों से देख सकते हो? वो तो कोई देखता नहीं, लेकिन है। उसका एक्सपीरियंस कैसे किया जाए, उसका अनुभव कैसे किया जाए? जब महापुरुषों के लफ्जों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बार 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 हर एक धर्म ग्रंथ में कॉमनैलिटी है। वो समझाते हैं कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। ये हर एक धर्म ग्रंथ में आया है, गुरबानी में आया है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर है, उसको हम नाम कहें, शब्द कहें, कलमा कहें, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहें, क्रिएटिव पावर कहें, होली वर्ड कहें, उसके जरिए सारी सृष्टि रची गई। बाइबल में जो क्रिश्चियनिटी का धर्म ग्रंथ है, भी आया कि इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शेड बी फुल ऑफ लाइट, कि अगर आपका ध्यान एक तरफ टिक गया अंदर की ओर, तो आपके अंदर जगमग जगमग आपको रोशनी ही रोशनी के दर्शन होंगे। पिछले 25 साल से एक नई फील्ड डॉक्टरों ने निकाली है, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस की फील्ड कहा जाता है। एक ऐसी फील्ड जिसमें के डॉक्टर्स ने यह अनुभव किया कि बहुत से लोग हॉस्पिटल में या किसी एक्सीडेंट के बाद उनको ये अनुभव हुआ कि वो शरीर से अलग हैं। कोई सर्जिकल रूम में टेबल पर थे, डॉक्टर्स उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और एकदम से उस इंसान ने जिसके ऊपर ये सर्जरी हो रही है रियलाइज़ किया कि वो शरीर से बाहर है, चाहे वो ऊपर जो सीलिंग है उसके आसपास हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को देख पा रहे थे। डॉक्टर्स नर्सेज जो फ्रेंटिकली उनके ऊपर काम कर रहे उनको देख पा रहे थे, और देख ही नहीं पा रहे, सुन भी रहे थे क्या हो रहा है। और फिर बड़ों ने कहा कि वो दीवार से यूँ निकल गए जैसे दीवार है ही नहीं, और बाहर देखा कि वेटिंग रूम में उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके रिश्तेदार, दोस्त बैठे हुए हैं, फिक्र कर रहे हैं। कहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो 100-200 मील दूर पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हम इसको मिले, उसने ये पहना हुआ था, वो ये कर रहे थे, जो कि बाद में जब सारा डाटा कलेक्ट हुआ वो कराबेट हुआ कि ठीक था जो बोल रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ रोशनी रोशनी थी, और कईयों ने कहा कि हम वहाँ एक रोशनी के फरिश्ते से मिले। कईयों ने उस फरिश्ते को अपने जो रिलीजन्स के उनके फाउंडर से उनके शेप में देखा, कईयों ने देखा कि कोई फरिश्ता था रोशनी से भरपूर, और बहुतों ने कहा कि उनको जैसे लाइफ रिव्यू मिला कि उनकी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो क्या थी, वो वहाँ पे उनको देखने को मिली। और ना ही देखने को मिली, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो उन्हें कितनी खुशी उन्होंने किसको पहुँचाई उसका अनुभव हुआ, और कुछ बुरा किया तो उन्होंने कितना दुख दर्द दिया वो भी अनुभव हुआ। लेकिन चाहे उन्होंने खुशी दी चाहे दर्द दी, उन सब ने यही कहा कि हमें उस रोशनी के फरिश्ते ने अपनी आगोश में लिया, इतना प्रेम दिया कि हमने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। और कहते इतनी खुशी हमें मिली कि हम वापस नहीं आना चाह रहे थे, चाहे किसी की पत्नी थी, किसी का पति था, किसी के बच्चे थे, किसी के माँ बाप थे, लेकिन वो शरीर में वापस आए। और जब उन्होंने ये बातें करनी शुरू करी, पहले तो सबने कहा इनका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन जब नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए, पीछे ये गैलप पोल अमेरिका में हुआ था, तो 36 मिलियन पीपल हैड हैड दिस एक्सपीरियंस, के इतने करोड़ों लोगों को वो अनुभव हुआ था कि डॉक्टरों ने भी सुनना शुरू करा कि इसकी जान पड़ताल करें। सबसे पहले डॉक्टर जिन्होंने इस बारे ध्यान दिया, वो डॉक्टर रेमंड मूडी थे। उनकी किताब 25-1 साल पहले आई थी, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिन्होंने उन्होंने ऐसे कई लोगों के अनुभव दिए। तो आज तो बहुत से डॉक्टर्स, बहुत सी किताबें, 200 से ज़्यादा किताबें डॉक्टर्स की और जिनको अनुभव उनकी अवेलेबल हैं। एक बहुत बड़े रिसर्चर डॉक्टर मेलविन मोर्स जो सियाटल में काम करते हैं, और बहुत से भाई बहन हैं, उन्होंने सिर्फ इनका अनुभव क्या था उसको समझा नहीं, लेकिन ये देखा कि उसके बाद बदलाव इंसान में कुछ आया कि क्या हुआ कि 10 years later 10 साल के बाद वो लोग जिनको ऐसा नहीं हुआ उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस थे। तो दे रियलाइज कि उनकी ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस थे। वो सब अपने धर्म ग्रंथों में ज़्यादा जाना शुरू हो गए,
वो कम्युनिटी सर्विस में एक दूसरे के मददगार बने, बहुतों ने अपने जॉब्स बदल लिए ताकि वो किसी के फायदेमंद हो सकें, उनकी ज़िंदगी प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो गई। और जब इस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश डॉक्टरों ने करी तो रूह क्या है, आत्मा क्या है, उसके चिन्ह उनको मिलने शुरू हुए। जब संतों महापुरुषों की ओर हम ध्यान देते हैं, उनकी टीचिंग्स को समझते हैं, तो बार 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 वो हमें यही समझाते हैं कि प्रभु है, हम उसका अंश हैं। तो थ्योरी ये है कि परमात्मा है, हम आत्मा हैं, और आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है, यही मकसद ज़िंदगी का है। वो किया कैसे जाए? ध्यान टिकाकर, ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में करने के लिए ही समझाया जाता है। उसे मेडिटेशन कहें, कंसंट्रेशन कहें, सिटिंग इन प्रेयर एंड अटेंशन कहें, इन्वर्जन कहें, अलग अलग नाम अलग अलग धर्मों में दिए गए हैं ताकि हम अपने आप की जांच पड़ताल कर सकें। तो जो रूहानियत का रास्ता है वो कोई सुनी सुनाई बात पे जाने का रास्ता नहीं, ये अपने आप को अनुभव करने का रास्ता है। और अगर स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न टाइम्स इसको समझने की कोशिश करें तो हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। वी हैव अ बर्थ राइट टू नो गॉड। हम सब पिता परमेश्वर की संतान है। प्रभु ने हम सबको एक तरीके से यहाँ भेजा है, इंसानी चोला दिया है, इंसान के रूप में भेजा है। हम हैं जो कि जैसे जैसे हम बड़े होते दीवारें खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। पहले तो जिस धर्म में पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, हम सोचते हैं यही सबसे अच्छा धर्म है, बाकी सब ठीक नहीं है। फिर जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ये स्कूल बहुत अच्छा है, बाकी तो ऐम ही है क्या। फिर थोड़ा और बढ़ते हैं, देन जो हमारे आस पास रहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार, हम सोचते हैं यही हमारा धैर्य है, इसके बाहर जाने की कोशिश कम करते हैं। एंड देन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है हम और दीवारें खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। माँ को समझाते हैं कि एक पिता एक इसके हम बारक, कि एक ही पिता परमेश्वर है, हम सब उसी की संतान है, और उसका अनुभव कैसे होगा? क्योंकि हम तो सिर्फ बाहरी रूप में ही देखते हैं। हम कहते हैं ये इंसान हमारे जैसे कपड़े पहनता है, हमारे जैसे बोलता है, हमारे जैसे खाता पीता है, हमारी कल्चर का ये अपना हो गया, ये दूसरा इंसान है, इसकी स्किन का कलर भी अलग है, इसका बोल बाल भी अलग है, ये कहीं और का है। लेकिन महापुरुष बार बार यही समझाते हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राहगुजारों में बांटते हुए प्यार, कि हर एक को हम अपनाएं, क्योंकि हर एक हमारा ही है, कोई हमसे अलग नहीं। ये हमारी कमजोरी है कि हम समझते हैं हमसे कोई अलग है, क्योंकि रियलिटी में चाहे बाहरी रूप से कोई अलग लगे, अंदर से सब एक हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उसको जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता था, उसमें बहुत से रिसर्चर्स और बहुत से लोगों ने बहुत साल बहुत काम किया देखने के लिए कि जो जीन्स हैं इंसान की वो क्या हैं। इस वक्त वो इस नतीजे पर पहुँचे कि एवरेज इंसान के अंदर कोई 20 से 25 हज़ार जीन्स हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा अपने दादे पे गया था, इसकी हरकतें भी अपने दादाजी जैसी हैं, इसके चलने का तरीका भी दादाजी जैसा है, किसको बोलते हैं ये अपनी नानी पर गया था, तो क्या है? वो कहते हैं कि वो जीन्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी में जा रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन्होंने अलग अलग लोगों की जीन्स की ओर गौर किया और एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि क्या है, तो रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग लिखा कि मोर देन 99.9% के 99.9% से ज़्यादा जीन्स हर एक की एक जैसी थी, 0.1% से कम जीन्स थी जो कि अलग थी, और वो जीन्स हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि हम लंबे कितने हुए, हमारे फीचर्स कैसे हैं, हमारे स्किन का कलर कैसा है, जो भारी रूप है। और हम लोग ये जो लेस देन 0.1% है उसकी ओर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि भारी रूप ही देखते हैं ये अलग है ये अलग है, जो 99.9% से ज़्यादा हम एक हैं उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें दिखता नहीं। ये आंखें बनी हैं बाहर की दुनिया देखने के लिए, मैटर की चीज़ें देखने के लिए, जड़ता की चीज़ें देखने के लिए, अंदर की दुनिया के लिए यहाँ एक आंख बनी है, शिव नेत्र, 10वां द्वार, सिंगल और थर्ड आई,
वो यहाँ दो आंखों के बीच में है, लेकिन उस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि हमें समझाया जाता है बेटा जो आपने आंखों से देखा वो सच है, जो अपने कानों से सुना वो सच है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि इन इंद्रियों के आगे भी कुछ और है। तो हम जो पांच इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, चखना, सूंघना और स्पर्श की इंद्रिय, उनके घाट पर ही रह जाते हैं। रूहानियत उस घाट से ऊपर उठना है, शिव नेत्र दसवें द्वार तक पहुंचना है। ये बाहर की इंद्रियां जो पांच इंद्रियां बाहर की दुनिया में खुलती हैं, ये दसवां द्वार अंदर की दुनिया में खुलता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स, रूहानी दुनिया। मीराबाई ने फरमाया कि मीरा मन मानी सूरज से आलास मानी, कहती मैं तो मानती नहीं थी कुछ है शरीर के आगे, मानी कब? मीराबाई को तो सब कृष्ण जी महाराज की पुजारण समझते हैं, लेकिन जैसे उनकी जिंदगी बढ़ी वो सगुण भक्ति से निर्गुण की ओर गई। संत रविदास जी महाराज उनकी जिंदगी में आए, उन्हें नाम की देन दी, उनका शिव नेत्र खोला, और उसके बाद जब वो अंदर की दुनिया में उड़ान कर पाई तो उन्होंने फरमाया कि मीरा मन मानी सूरत से आसमानी, कि जब मेरी सूरत ने अंदर की दुनिया में उड़ान की तभी मुझे यकीन हुआ कि इसके आगे भी कुछ और है। और इसीलिए जब हम हिस्ट्री में देखते हैं बहुत से संत महात्मा जो पहले सगुन भक्ति करते हैं, सगुन भक्ति होता है कि मूर्ति की पूजा करना किसी आकार में, कि प्रभु को हम इस आकार में देखते हैं उसकी पूजा करना, उसको सगुन भक्ति कहा जाता है। उससे निर्गुण की ओर गए कि उस परमात्मा को पाना जिसके आसपास हम कोई बाउंड्री लगा नहीं सकते, क्योंकि वो कण कण में समाये हुए हैं, वो हम सबके भीतर हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस भी आज उस नतीजे पर पहुंच रही है। जब मैं कॉलेज में जाता था हमें ये समझाया जाता था कि जो जो मैटर है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें एटम्स होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो सॉलिड हैं। लेकिन आज जब और रिसर्च बढ़ गई है, साइंटिस्ट ये समझा रहे हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जब उनको उन्होंने तोड़ा तो कह रहे हैं उनमें 12 हैं जिनको क्वार्क्स बोला जाता है, जो अकेला पार्टिकल है। वो भी 10-15 साल पहले शायद किसी ने पता करा क्या है, उनको कि सबसे छोटा पार्टिकल है वो सॉलिड नहीं, एक वाइब्रेशन है, हलचल है। हलचल इतनी तेज थी कि कोई इंस्ट्रूमेंट उसको डिसाइफर नहीं कर पाता था। और अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ी होती है उन्होंने रियलाइज करा कि हर एक चीज के बीच में एक हलचल है। तो आप क्या समझते हैं शब्द या नाम क्या है? एक हलचल, जो कहते प्रभु कण कण में समाया हुआ है। और क्या मतलब है कि कण कण में प्रभु की सत्ता चल रही है, और उस हलचल में जो अब हम हार्मनी में चले गए तो हमें समझ आएगा जब उससे परे रहेंगे तो हम डिसहार्मनी में होंगे। अब ट्यूनिंग फोर्क है, जब उसको आप चलाते हो तो उसके पास जो भी चीज़ आती है उसमें आवाज़ निकलनी शुरू हो जाती है, अदरवाइज वो अपने आप चल रही है और आप कहीं अपने आप अलग हैं। मैग्नेट है तो आयरन फाइलिंग अगर दूर मैग्नेट के कभी नज़दीक नहीं, एज सून एज यू गेट क्लोज एकदम उनके साथ जुड़ जाओगे। तो वो हलचल हम सबके अंदर चल रही है, हमें ध्यान सिर्फ यहाँ शिव नेत्र पर कराना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज जो रूहानियत को बड़े साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया करते थे, वो ये भी समझाते थे, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु को पाना बहुत सीरियस काम है, कि भाई आंखें बंद करके बैठ गए और ज़िंदगी में कुछ और करना नहीं है और बहुत सीरियस है। वो कहा करते थे कि गो जॉली, कि जिंदगी को खुशी से व्यतीत करो, ऊंच नीच जिंदगी में आती रहेगी। और आज के टाइम में जबकि साइंस बहुत तरक्की कर रही है, डॉक्टर्स बार बार समझाते हैं कि जब हम फ्राउन करते हैं, जब हमको क्रोध आता है, जब हमारे यहाँ शरीर में गुस्सा चढ़ जाता है, तो वो कहते हैं कि इतनी मसल्स पुल होती हैं कि एनर्जी वेस्ट होती है फालतू में। और जब इंसान हंसता है, खिलखिलाता है, तो आराम से हर एक चीज़ को वो बदल देता है। इसी लिए बहुत सी बार हम देते थे कि मुश्किल चीज़ों को भी संत कृपाल सिंह जी महाराज हंस के टाल दिया करते थे। हम सब जिंदगी भर सीख सकते हैं, जिंदगी भर बेहतर हो सकते हैं, और मुश्किलें ऊंच नीच जिंदगी में हम सबकी ज़िंदगी में आता रहता है, पर उसको हंस के जो टाल देता है वो मुसीबत में से निकल जाता है। एक अब्राहम लिंकन की लाइफ का बड़ा अच्छा वाक्य है,
वो कहते हैं कि जो अब्राहम लिंकन ही वॉज कंसिडर वन ऑफ द बेटर प्रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका, वो बड़े जस्ट थे. और उनके टाइम में नॉर्थ और साउथ अमेरिका में उनका झगड़ा चल रहा था, तो ही ट्राई टू ब्रिंग देम टुगेदर. तो लोगों ने जो उनकी साइड के उनको कहा कि आप तो दूसरे एनिमी से बातचीत क्यों करते हो, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि व्हेन आई मेक फ्रेंड्स ऑफ माय एनिमीज डोंट यू थिंक आई किल देम ऑलरेडी. हम अगर उनसे अलग रहेंगे तो उनसे गड़बड़ होगी, अगर उनसे दोस्ती करेंगे तो जो भी हम में भाव हैं वो खुद ना खुद हटते चले जाएंगे. तो एक बारी उनको एज अ जज बिठाया गया कि दो लोगों की बहुत लड़ाई हो रही थी और वो बड़ी सिली सी बात पे बात कर रहे थे. टॉपिक ये चल रहा था कि जो जो मॉडल इंसान होना चाहिए उसके पैर, उसकी टांगें कितनी लंबी होनी चाहिए. तो दो लोग डिस्कस कर रहे हैं. अब माइकल एंजेलो, अगर आपने आर्ट पढ़ी है, माइकल एंजेलो ने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को ड्रॉ करा हुआ है कि जो आर्म लेंथ है और जो हाइट है और कितनी लातें लंबी हैं, उसने अपनी तरह से शो करा है. इट्स वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फिगर्स. तो वो डिस्कशन चल रही थी कि इतनी लंबी लात होनी चाहिए और इन बातों पर तो डिस्कशन आदमी करता जाए, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था. तो वो दोनों पेश किए गए अब्राहम लिंकन के सामने. तो एक ने अपना बताया, मेरे ख्याल से इतने फीट होनी चाहिए. दूसरे कहा नहीं, इतनी होनी चाहिए. किन्ने कहा नहीं, बा की लेंथ के साथ लात की लेंथ होनी चाहिए. तो वो सुनते रहे, दोनों साइड का सुन के उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आई थिंक द लेंथ ऑफ द लेग शुड बी सो दैट द लेग्स आर हिटिंग द ग्राउंड. उसको हंसी में टाल दिया कि लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जो पैर जो लाते हैं जमीन को लगनी चाहिए. और हंसी से वो जो इतनी उनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसको टाल दिया. तो हम लाफ्टर के साथ, हंसी के साथ, जॉली होकर जिंदगी में से गुजर सकते हैं. और आज की रिसर्च ये समझा रही है कि वो भाई बहन जो बीमार हैं, जब वो उस मौके पर, लेट्स से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तकलीफ शरीर में आ जाती है, अगर वो उस तकलीफ को खुशी से उसको पार करने की कोशिश करते हैं तो उनकी रिकवरी टाइम बहुत कम रह जाता है, बहुत जल्दी से उसमें से पार हो जाते हैं. और अगर दुख दर्द में से, हो मेरे दिल को दौरा पड़ गया, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैंने यहाँ पे एक्सरे नहीं करवानी, अगर उस मोड में रहते हैं तो उनकी तकलीफ लंबी होती चल जाती है. क्योंकि एक तो हम तकलीफ को डील कर रहे हैं, एक उसके जो सैडनेस जो हमने अपनी ज़िंदगी में और दुख दर्द बढ़ लिया कि हाँ हमको तकलीफ होगी, उससे भी डील करना पड़ रहा है. तो डॉक्टर्स भी समझा रहे हैं कि हम शांत हों, खुशी से ज़िंदगी जिए तो हम बेहतर हो पाएंगे. इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि बहुत से हॉस्पिटल में बहुत से डॉक्टर्स मेडिटेशन को या ध्यान टिकाने की ओर कह रहे हैं. क्यों? क्योंकि ध्यान टिका कर क्या होता है कि ध्यान अंदर की दुनिया में जाता है, सुख शांति की दुनिया में पहुँचता है. जब हम उस दुनिया में पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि अंदर से हमें ताकत मिलती है, हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में बढ़ता है, हमें मालूम है कि हमें संभालने वाला कोई और है, हमें मालूम है कि हमारी ज़िंदगी में जो ढल रहा है वो सबसे बेहतर है. ज़्यादातर तो इंसान यही सोचता है कि मुझे बहुत मुश्किलें मिली, औरों को मिली नहीं. तो एक मुहावरा है, वो कहता है कि इफ़ यू टेक ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड पुट देम इन अ पाइल एंड टेक द प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन इन द वर्ल्ड एंड पुट देम इन अ पाइल एंड आस्क एवरीवन टू पिक अप वन ऑफ दोज सेट्स, आफ्टर लुकिंग एट ऑल द प्रॉब्लम्स यू विल ओनली पिक अप योर ओन सेट. दुनिया की अगर आप सारे लोगों को कहें कि जो भी आपको मुश्किलें लग रही हैं, आपकी ज़िंदगी जैसी है एक तरफ डाल दीजिएगा, और सबको कहें आप सबकी मुश्किलें देख लो, जो सी चाहिए वो उठा लो, तो आप कर करके अपनी उठाओगे. लेकिन हम सोचते नहीं, हम सोचते ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. मगर वो अनुभव कब होगा? जब अंदर की दुनिया में जाएंगे. बाहर की दुनिया में तो बाहर लग रहा है ओहो वो बहुत अच्छा कर रहा है, और आप मूवीज देखते हो कहते हो जो खराब चीज़ें कर रहा है वो अमीर हो जा रहे हैं, और इसने गड़बड़ करी, इसको किसने पकड़ा नहीं, तो देन यू टेंड टू बी लाइक दैट. लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, यही कर्मों का विधान है कि जो हम करेंगे वैसे ही हमें रिटर्न्स आएंगे. और ये अनुभव उन लोगों को जिनको ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, सबको हुआ, क्योंकि दे रियलाइज के जो भी उन्होंने किया था उसका जो इफेक्ट किस पर हुआ वो क्या है. उन्हें यही समझाया गया कि हम प्रेम से जिए, प्यार से जिए. इंसान
जॉली कब होता है, खुशी से कब जीता है, जब उसके अंदर प्रेम होता है। आप में से जिसको भी प्रेम हुआ हो, प्यार हुआ हो, अगर आप उस एटमॉस्फेयर में जिनके साथ आपको प्रेम है जब उनके साथ होंगे, अंग संग होंगे, तो उस समय खुशी से गुजरता है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान और किसी चीज़ में नहीं, आपका ध्यान उस खुशी में, और खुशी में ना कोई चीज़ खराब दिखती है, ना कोई चीज़ बुरी दिखती है, क्योंकि ध्यान असलियत की और अच्छाई की और है और खुशी के माहौल में है। हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पा सकते हैं, थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ करना है तो आपको समय तो देने पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए समय निकालना पड़ता है। कितने साल हम पढ़ते रहते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं ताकि किसी चीज़ का मालूम हो। तो अगर हम सोचें कि रूहानियत आंखें बंद की एक मिनट में मिल जाएगी तो नामुमकिन है। तो वी हैव टू पुट इन एन एफर्ट, ध्यान उस ओर देना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, जो दिन का दसवां हिस्सा है वो आप अपने लिए निकालो। 90% ऑफ द डे ठीक है आप बाहर की चीज़ें करो, 10% ऑफ डे तो कुछ अंदर की बात के लिए भी निकालो, समय निकालो, ताकि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ सको। जिस संतमत का रास्ता है, ये हमें ये नहीं समझाता कि हम जाकर कहीं पहाड़ पर बैठ जाएं, किसी आश्रम में बैठ जाएं। ये कह रहा है कि वील नीड टू लिव ऑन आवर ओन अर्निंग, कि हम अपने आप को संभालें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालें। प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, घर गृहस्थी है, उसको संभालें, पर उसको संभालते हुए ध्यान प्रभु की ओर करें कि हथ कारवल दिल यारवल। व्हेन वी आर वर्किंग आवर हैंड्स टू आवर वर्क बट आवर हार्ट्स टू आवर बिलोव्ड, कि जैसे हम दुनिया का काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, और समय दिन में निकालें कि हम भजन अभ्यास करें, बाकायदगी से करें, अंदर की दुनिया में जाएंगे, अपनी रूह का अनुभव कर पाएंगे। अगर हमने आंखें बंद की, मन को शांत किया, शरीर को शांत किया, और अंदर कुछ अनुभव हुआ, तो हमको अनुभव हुआ है, कोई टॉर्च लेके तो हमारे आगे नहीं लाइटें वाइटें दिखा रहा, तो वो अनुभव हमारा अपना हुआ है, उसका यकीन खुद ब खुद होता है। कुछ हमने किसी ने कहा उसको अनुभव हुआ, वो तो सुनी सुनाई बात हो गई, कोई कहीं पर पढ़ लिया वो अनुभव सुनी सुनाई बात। तो ये दिस इज़ अ पैथ जिसमें आदमी खुद एक्सपीरियंस करे, और हम समय निकाल के एक्सपीरियंस करें तो हम ज़रूर पिता परमेश्वर को पा सकेंगे, उनकी नज़दीकी पा सकेंगे। वो हमसे दूर नहीं, हम सब उनको ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा, कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, वो हमसे दूर नहीं, हमारे अंदर हैं, हमारे नज़दीक हैं, हम उन्हें पुकारें तो सही, आवाज़ तो दें। अगर पुकारेंगे, अगर सिंसियरली पुकारेंगे, अगर दिल में एक कशिश होगी पिता परमेश्वर को जानने की, तो हम उन्हें ज़रूर पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के देले हैं, ये सीधे 8-10 इंच आपके सामने फोकस रहा। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आपसे मिल दीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। जब ऊंचा करोगे, जबान से करोगे, कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। आपके सामने अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे, जो कुछ दिखता है बीच में दिखेगा, और समय के साथ साथ आपको बहुत से नज़ारे दिखने को मिलेंगे। मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजरत बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर आए महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज लीव ऑफ।